दोस्तों फाइनली जिसका सभी को इंतजार था वो वक्त आ गया है और एलविस यादव ने अनाउंस कर दिया है अपना सेकंड मीटअप बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद। देखिए फिलहाल एलविस यादव अभी गुड़गांव में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो एक या दो दिन में गुड़गांव पहुंच जाएंगे और जैसे ही वो गुड़गांव पहुंचते हैं उसके अगले ही दिन वो करने वाले हैं मीटअप अपने सभी फैंस अपनी आर्मी के साथ। और दोस्तों एक चीज और है, इस मीटअप में वो सभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को भी इनवाइट करने वाले हैं, लेकिन देखना होगा कि उनके इनवाइट करने पर कौन कौन से बिग बॉस के कंटेस्टेंट उनके मीटअप में आते हैं। देखिए दोस्तों ये मीटअप होने वाला है गुड़गांव के सबसे बड़े स्टेडियम ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एलविस यादव के इस वाले मीटअप में भारी संख्या में एलविस आर्मी पहुंचने वाली है, जिसके चलते ही इस मीटअप को स्टेडियम के अंदर रखा गया है ताकि सभी लोग एलविस यादव से मिल सके, उनको देख सके और एलविस यादव अपनी सभी फैंस का और अपनी आर्मी का तहे दिल से धन्यवाद कर सके। देखिए एलविस यादव ने अपने व्लॉग के माध्यम से ये क्लियर कर दिया है कि वो अपने एलविस आर्मी को और अपने फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे और दो तीन दिन के अंदर ही मीटअप ऑर्गेनाइज हो जाएगा। फिलहाल तो वो बिग बॉस के प्रोटोकॉल्स के चलते हुए अभी कुछ ज्यादा बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ और क्लियर कह दी है कि मीटअप दो तीन दिन के अंदर ही जरूर होने वाला है और वो सभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट अपने साथियों को इनवाइट करने वाले हैं और जो जो आना चाहे वो आ सकता है। दोस्तों देखना होगा कि क्या फुकरा इंसान एलविस यादव के इस मीटअप में आते हैं या नहीं। बाकी दोस्तों क्या आप एलविस यादव के इस मीटअप में जाने वाले हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और एलविस आर्मी है तो कमेंट बॉक्स में सिस्टम जरूर लिख देना। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।